नवी मुंबई यूथ कांग्रेस ने शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि। मोदी सरकार से किया आह्वान, अन्नदाताओं पर रहम करो। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच शहीद हुए 40 किसानों को आज नवी मुंबई यूथ कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। जिलाध्यक्ष सुबिन बाबू थॉमस के नेतृत्व में बेलापुर चौक पर आयोजित एक सादे कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर शहीद किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर मृणाल मानधने और महासचिव मोहम्मद अनीस रहमानी ने कहा कि किसान मर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि अंधी और बहरी बनी बैठी है। उन्होंने सरकार से तानाशाही रवैया छोड़कर अन्नदाता किसानों के हित में सकारात्मक फैसला करने की मांग की। भारतीय युवक कांग्रेस के निर्देशानुसार संपूर्ण देशात यूथ कांग्रेस हे शहीद झालेले आपले किसान जे नॉर्थ मध्ये यूपी हरियाणा राजस्थान कर्नाटक सगळीकडून जमा झालेले तिथे आंदोलन चालू आहे ते ब्लॅक लॉजच्या अगेन्स्ट ते 60 वरती किसान तिथे शहीद झालेले आहेत आंदोलनामध्ये। म्हणून भारतीय युवक काँग्रेसने संपूर्ण देशात हे श्रद्धांजली अर्पित करण्यासाठी ही प्रोग्राम हे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। अध्यक्ष आमचे श्री सुबिन थॉमस यांच्या निर्देशानुसार नवी मुंबई यूथ काँग्रेसने हे आयोजन इथं घेतलेलं आहे। आज हम इस प्रोग्राम के तहत उन सभी जो दिल्ली में शहीद हुए किसान हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे देश की धरोहर जो हमारा किसान है उसके लिए थोड़ा सा आप वक्त निकालिए, थोड़ा सा आप सोचिए, उनके बारे में सोचिए जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो हमारे देश को खिला रहे। किसान भाई दिल्ली में एक के बाद एक शहीद हो रहे हैं। सरकार पूरी तरह से सोई है और उसको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि दे और वो हमारे किसान, हमारे जो देश के धरोहर हैं उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, उनके बारे में सोचें। बता दें कि दिल्ली में भारी ठंड और बारिश के बीच हजारों किसान कृषि कानूनों के विरोध में 43 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वे कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।